सिंगरौली जिले में बेटी की पढ़ाई के लिए किडनी बेचना चाहती है एक माँ। सिंगरौली सरई क्षेत्र की तलाकशुदा पीड़िता दुर्गावती करीब 15 वर्ष पूर्व पति से विवाद के बाद नन्ही सी बेटी के साथ अलग रह रही माली का काम करके अपना गुजर बसर कर रही है। वहीं बिटिया की आगे की पढ़ाई के लिए पीड़िता के पास नहीं है रुपए, जिसने अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में लगाई गुहार। मदद नहीं मिलने पर पीड़िता ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किडनी बेचने की कही बात। चलिए, मुझे शासन प्रशासन अगर बच्ची का फीस के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकती तो मुझे आदेश दिया जाए कि मैं अपनी किडनी बेच के अपने बच्ची को पढ़ा सकूं। मैं बहुत त्रस्त हो चुकी हूं। मेरी बच्ची जब 2 साल की थी तब से मैं परेशान हूं। 10वीं तक पास करवा चुकी हूं, अब 11वीं 12वीं के लिए उसको बहुत ही परेशानी आ रही है। उसका पिछला फीस बकाया होने के कारण उसको एडमिशन नहीं लिया जा रहा है स्कूल में। इस कारण से मैं फीस के लिए दर दर भटक रही हूँ। बार बार कलेक्टर साहब के पास आ रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं की जा रही है। अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। बच्ची बोलती है कि अगर मैं पढ़ाओगी नहीं तो मैं फांसी में झूल जाऊंगी, इस साल मैं बिल्कुल नहीं जिंदा रह पाऊंगी। बिटिया भी कह रही है, बिटिया बोलती है कि मैं फांसी में झूल जाऊंगी अगर नहीं पढ़ाओगी मुझे, तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँ, कहाँ से लाऊँ पैसा। जबलपुर में भी है जी, जबलपुर स्कूल में उसका एडमिशन होना है 12वीं में। 11वीं का फीस बकाया के कारण उसका एडमिशन नहीं ले रहे हैं वहाँ के अधिकारी लोग। उन्होंने मैंने मतलब मान नहीं रहती आदेश के लिए, फिर उनको मैंने एक हफ्ता समय दिया। एक हफ्ता के अंदर मान लीजिए उस वाले जो कोर्ट ने आदेश दिया कि उनको राशि दिलाना चाहिए।